हेलो एवरीवन, मैं हूँ इस वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और आज की जर्नी होगी दुरंतो एक्सप्रेस में। आज की जर्नी बहुत ही ख़ास होगी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या ख़ास होगा, तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगी है निज़ामुद्दीन चेन्नई राजधानी और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगेगी दुरंतो एक्सप्रेस। दोस्तों सुबह मैं अमृतसर दिल्ली शताब्दी से दिल्ली आया था और यहाँ से अब मैं झांसी जा रहा हूँ। अगर आपने शताब्दी एक्सप्रेस वाला व्लॉग नहीं देखा तो अभी जाके वो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों जिस बात का मैं ज़िक्र कर रहा था वो है कि मैं फ़र्स्ट टाइम दुरंतो एक्सप्रेस में ट्रेवल कर रहा हूँ, और दूसरी बात ये कि निज़ामुद्दीन से झांसी इसका कोई भी स्टॉप नहीं है। जी हाँ, ये 400 से ज़्यादा किलोमीटर इसका जो रूट है वो 400 किलोमीटर से ज़्यादा है, और ये पूरे रूट में ये कहीं भी नहीं रुकेगी, ये बिना रुके अपनी जर्नी कंप्लीट करेगी। बने रहिए वीडियो में, देखते हैं क्या दुरंतो एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पे पहुंच पाएगी या नहीं, और इसके फेयर और सर्विसेज के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों दुरंतो एक्सप्रेस, इसका ट्रेन नंबर है 12286 और ये हज़रत निज़ामुद्दीन से सिकंदराबाद तक जाती है। निज़ामुद्दीन से ये 3:55 पे चलती है और वीरांगना लक्ष्मीबाई यानी झांसी पहुंचती है 8:45 पे। इसमें 4 क्लासेस हैं। एक है स्लीपर क्लास जिसकी टिकट ₹580 है, एक थर्ड एसी है जिसकी 1325 टिकट है, एंड एक है सेकंड एसी जिसकी 1840 है और फर्स्ट एसी की 2310 है।
अंबल ग्वालियर तो अगे नहीं आता शायद। निर्धारित समय से 15 मिनट पहले 8:30 बजे दरंतो एक्सप्रेस झांसी स्टेशन पहुंच गई।
अगर खाने पीने की बात करूं तो इसका जो भी खाने का है वो सारा इंक्लूड रहता है टिकट में। सबसे पहले आपको पानी की बॉटल दी जाएगी एंड उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद सर्व किया जाएगा आपका डिनर। डिनर पे आपकी सब्जी होगी, चावल होगी और रोटी होगी। मेरी ये जर्नी बहुत ही कमाल की रही। आपने देखा हमने 400 से ज़्यादा किलोमीटर का जो सफ़र था वो बिना रुके तय किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। Come on.